नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर स्थित शाखा को जितवारपुर से हटाकर मुख्य शाखा के साथ मर्ज किए जाने के निर्णय के खिलाफ महागठबंधन संघर्ष समिति के बैनर तले समस्तीपुर कॉलेज परिसर में आयोजित अनिश्चितकालीन धरना सह सत्याग्रह रविवार 13 दिसंबर 2020 को सातवें दिन भी जारी रहा। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज की प्राचार्य तथा बैंक प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी किया। आयोजित इस धरना सभा को संबोधित करते हुए विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि आंदोलनकारियों की मांगें बिल्कुल जायज है, लेकिन जिला प्रशासन, कॉलेज प्रशासन तथा बैंक प्रशासन के द्वारा वार्ता के लिए समुचित पहल नहीं किया जाना बेहद निराशाजनक व दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आंदोलनकारियों की सुरक्षा हेतु आंदोलन स्थल पर दंडाधिकारी व पुलिस बल को प्रतिनियुक्त करने तथा वार्ता हेतु समुचित पहल करने की मांग प्रशासन से की। कार्यक्रम को स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, राजद जिलाध्यक्ष राजेंद्र सहनी, जिला राजद प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर, युवा राजद प्रदेश महासचिव पप्पू यादव, महागठबंधन संघर्ष समिति के संयोजक सह माकपा के अचल मंत्री उपेंद्र राय, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष डोमन राय, भाकपा माले नेता अशोक राय, जयंत कुमार, कांग्रेस नेता परमानंद राय, अनिल तिवारी, माकपा नेता प्रोफेसर दिनेश कुमार राय, उमेश कवि, रामलौलीन राय, पूर्व शिक्षक रामोचित राय, राजद नेता सैयद शाहनवाज हसीब, प्रमोद कुमार पप्पू, जयलाल राय, ज्योतिष महतो, मनोज कुमार राय, अनिल कुमार अला, इंद्रमणि राय, गगन कुमार, राजेंद्र शर्मा, मोहम्मद अयूब, अनिल राय, हरेराम झा, संतोष राज, देवेंद्र राय, राम नारायण यादव, राम भजन राय, धर्मेंद्र शर्मा, रसीदा खातून, हसीना खातून, मंजू देवी सहित महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। तमाम तरह के राजनीतिक संगठन भी इसको लेकर के आंदोलित है, तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा और वित्त मंत्रालय विभाग को मतलब सेंट्रल बैंक के बढ़िया अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित करेगा। और उन्होंने आश्वासन दिया कि मुझे लगता है कि मेरे द्वारा लिखे जाने पर वित्त मंत्रालय को इसका असर होगा और यहाँ पे चालू होगा। इसी आश्वासन तक हम लोगों की बात हुई, वार्ता हुई। उसके बाद एक दिन, दो तीन दिनों पहले उपेंद्र जी से मुलाकात भी हुई अभिनंदन समारोह जितवारपुर में। उस दिन वहां के बाद कहीं का कार्यक्रम था, उस दिन इन्होंने कहा था कि धरना स्थल तो हम कहीं निश्चित रूप से आएंगे। तो हम लोग का प्लान एक दो दिन से था ही कि जिस दिन भी इधर का प्रोग्राम दिन का फ्री का समय होगा तो हम लोग बैठेंगे, इस पर बात करेंगे और आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो मैंने राकेश जी से भी बात किया और लोगों से भी बात किया कि चल के आरएम से बात करना है, किससे बात करना है, एक डिसीजन लीजिए और चल के एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग पुनः जरूरत पड़े तो डीएम साहब से पुनः वार्ता करें, पुनः हम लोग आरएम से बात करें और उससे बढ़िया अधिकारी कौन हो सकते हैं उनसे बात किया जाए। क्योंकि ये तानाशाही है कि आप इस तरह से जनता के हक हकूक को अनदेखा करते हुए, उसकी कठिनाइयों, उसकी आसानियों को अनदेखा करके आप यूं ही बैठे बैठे ऑफिस में निर्णय ले लेते हैं, तो ये कहीं से उचित, इस तरह का उचित नहीं है। और इस तरह हम लोग एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, जनता के साथ जो मनमाने तरीके से जो कार्रवाई किया जाएगा तो मुख दर्शक बन के हम लोग नहीं बैठे रह सकते हैं। हम लोग जो भी उचित कार्रवाई होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और सेंट्रल बैंक को विवश करेंगे कि वह अपना निर्णय वापस ले। और डीएम साहब ने एक बात और कहा था, क्योंकि मैंने दो विषय रखा था, एक तो सेंट्रल बैंक का विषय रखा था और उप डाकघर के बारे में भी बात आई थी। दोनों शायद अलग अलग क्षेत्र है, तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि वह मेरे अधिकार क्षेत्र में है, वो राज्य सरकार और हमारे क्षेत्र में है, वो तो हम अपने कलम से कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। तो उन्होंने इतना आश्वासन दिया था कि उप डाकघर वाला तो मेरे कलम से हो जाएगा और इसके लिए मैंने पत्राचार किया है और वित्त विभाग को लिखा है इस विषय में। तो मैं पुनः एक बात कहूंगा कि पता नहीं कि जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसी के कंट्रोल में ये तमाम बैंक वगैरह आते हैं
पता नहीं कैसी आर्थिक स्थिति देश की बना दिया है कि तमाम बैंकिंग सेक्टर को भी निजी हाथों में देने की योजना बन रही है। इस तरह की अर्थव्यवस्था देश की चरमराती जा रही है कि तमाम सेक्टरों में बड़े पैमाने पर छटनी किया जा रहा है और उसी का परिणाम है कि बैंकों की संख्या को कम करना, तमाम तरह के जो आपको नजर आ रहा है वह देश के मोदी सरकार के गलत आर्थिक नीतियों के कारण, गलत मंशा के कारण तमाम बैंकिंग सेक्टर को निजी और उद्योगपतियों के हाथ में देने का जो उनका इरादा है उसी का परिणाम इस तरह का देखने का जो हम लोग का असर मिल रहा है, जो बैंक हटाने की बात हो रही है, ये सब वहीं से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन हम लोग मूक दर्शक बने हुए बैठे नहीं रह सकते हैं। जनता की अनदेखी होगी, जनता को कठिनाई होगा, जनता को समस्या उत्पन्न होगा, छात्रों को समस्या उत्पन्न होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। एक योजना बननी चाहिए और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस मुद्दे को जहाँ आप कहेंगे कि डीएम से पुनः चल के एक प्रतिनिधिमंडल मिले, वार्ता करे, आरएम से मिले, पटना में चल के किसी सेक्रेटरी स्तर के वित्त मंत्रालय के किसी अधिकारी से वार्ता करनी पड़े, जो भी करना पड़े, इस बैंक को इसी जगह पर रहे इसके लिए जो भी करना पड़े, यह संघर्ष समिति के साथ हम लोग मिलजुल कर इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि जिस तरह से यहाँ पर महागठबंधन संघर्ष समिति इस मुद्दे को लेकर के लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहा है और पूरे बुलंदी के साथ कर रहा है, मुझे लगता है कि तमाम संस्थाओं को झुकना पड़ेगा और यह सेंट्रल बैंक का शाखा को यहाँ पर पुनः देना पड़ेगा। मैं इसी आशा